तो दोस्तों कैसे हैं आप लोग, आशा करता हूँ कि आप सब अच्छे होंगे, साथ ही मजे में होंगे। दोस्तों आज की इस वीडियो में बात करता हूँ कि हुआवे के सब ब्रांड हॉनर ने एक नया स्मार्टफोन लॉन्च किया है जो कि हॉनर 7S के नाम से आता है। दोस्तों आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करते हैं, क्या है स्मार्टफोन के स्पेसिफिकेशन, क्या रखी गई है प्राइसिंग, क्या ये स्मार्टफोन आपके लिए वैल्यू फॉर मनी होने वाला है या नहीं, आज की इस वीडियो में इसी बारे में बात करेंगे। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है योगेश और आप देख रहे हैं वाई के टेक्निकल्स के फ्रेश एपिसोड में आप सभी का स्वागत करता हूँ। तो चलिए फिर आज की वीडियो शुरू करते हैं। दोस्तों अगर बात करूँ Honor 7S की, तो ये 7 सीरीज का ही नया स्मार्टफोन है, जिसके साथ Honor 7S और Play 7 दोनों ही इंडियन मार्केट में एक साथ लॉन्च होने की खबर आ रही है। लेकिन कब तक इंडियन मार्केट में लॉन्च होते हैं इसका भी कोई जानकारी सामने निकल के नहीं आई है। दोस्तों जहाँ तक बात करूँ 7S की, तो एक स्टार्टिंग लेवल का स्मार्टफोन है। स्मार्टफोन की प्राइसिंग के साथ तो Honor Xiaomi के स्मार्टफोन को टक्कर देना चाहता है, लेकिन अब देखने की बात यह है कि क्या Honor का 7S Xiaomi के स्मार्टफोन को टक्कर दे पाता है या नहीं। दोस्तों इसी के साथ बात कर लेते हैं Honor 7S की कुछ स्पेसिफिकेशन की। दोस्तों इसके साथ बात करें Honor 7S के स्पेसिफिकेशन की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है 5.45 इंच की फुल व्यूइंग HD प्लस डिस्प्ले। दोस्तों इसी के साथ आपको 2.5 कप डी ग्लास का प्रोटेक्शन भी देखने को मिल जाता है। इसके साथ अगर एक्सेप्ट स्क्रीन रेशियो की बात करूँ तो 18:9 का आपको एक्सेप्ट स्क्रीन रेशियो देखने को मिल जाएगा। दोस्तों बात करूँ अगर चिपसेट की, तो फोन में आपको देखने को मिलता है मीडियाटेक का 6739 प्रोसेसर। इसके साथ रैम की और स्टोरेज की बात करूँ तो आपको 2GB रैम के साथ 16GB इंटरनल स्टोरेज देखने को मिलती है, जिसको आप माइक्रो एसडी कार्ड की मदद से बढ़ा सकते हैं। दोस्तों अगर बात करूँ OS यानी ऑपरेटिंग सिस्टम की, तो फोन में आपको 8.1 ओरियो का सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके साथ बात करूँ फोन को पावर देने के लिए फोन की बैटरी की, तो फोन में आपको 3020mAh की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करूँ अगर कैमरे की, तो बैक में आपको 13MP का कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही फ्रंट में 5MP कैमरा देखने को मिलता है, साथ ही फ्रंट में आपको LED प्लस का भी सपोर्ट देखने को मिल जाता है। इसके अलावा आपको फोन में लगभग सारे ही कनेक्टिविटी फीचर देखने को मिल जाते हैं, फिर चाहे 4G वोल्टी का हो या फिर वाईफाई, ब्लूटूथ, GPS जैसे सारे फीचर वगैरह वगैरह सारे फीचर आपको फोन में देखने को मिल जाते हैं। दोस्तों इसी के साथ बात करूँ Honor के 7S के स्पेसिफिकेशन के साथ इसकी प्राइसिंग की, तो फोन की प्राइसिंग लगभग 8500 के बीच इंडियन मार्केट में होने वाली है। अब Honor 7S को जब इंडिया में लॉन्च करता है तो उसके बाद क्या प्राइसिंग रहता है, तो जब फोन लॉन्च हो जाएगा उसी के बाद पता चलेगा, लेकिन लगभग 8500 के आसपास फोन लॉन्च होगा। दोस्तों अगर अपने ओपिनियन की बात करूँ, तो Honor का 7S मेरे को इतना कुछ खास पसंद नहीं आया। फोन के स्पेसिफिकेशन इतने अट्रैक्टिव नहीं है कि फोन अपनी तरफ लोगों को अट्रैक्टिव कर सके। इसके साथ देखना है कि Honor का 7S क्या Xiaomi के स्मार्टफोन को टक्कर दे पाता है या नहीं। इसके साथ आप मेरे को नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताना कि Honor का 7S आपको कैसा लगा। इसके साथ आज की इस वीडियो में इतना ही। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद, और आप सभी जानते ही हैं आई रियली अप्रिशिएट योर टाइम।